रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इट्स अनबिलीवेबल, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही। आज मेरे सामने मेरी सारी फेवरेट पिंक कलर की चीजें हैं। डोसा, समोसा, इडली, डोसा, चॉकलेट केक, सब कुछ पिंक कलर का है। वाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। जल्दी से खा लेती हूँ सब। अपूर्वा जैसे ही अपने पिंक कलर का केक खाने वाली होती है कि एक चूहा आकर उसके केक को कुतरने लगता है। ये सब देखकर अपूर्वा उस चूहे को पास ही रखी एक कॉपी से मारने लगती है और फिर बोलती है, अब आ गया ना मजा, आया बड़ा मेरा पिंक केक खाने वाला, नास पीटा चूहा कहीं का। अरे राम रे, अरे मर गई रे, अरे मार डाला इस नालायक ने, मेरा सर फूट गया। ये आवाज सुनकर अपूर्वा अपनी नींद से जाग जाती है और देखती है कि उसकी मम्मी ज्योति के सर पर बहुत ही तेज चोट लग गई है। तो वो अपनी माँ से बोलती है, अरे माँ, आपको ये चोट कैसे लग गई? चलिए मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, बहुत खून बह रहा है। अरे नास पीटी करमजली, सुबह सुबह मेरा सर फोड़ डाला और अब खुद डॉक्टर के पास लेके जा रही है मुझे। मम्मी, ये आप क्या कह रही हैं? भला मैं आपको क्यों मारूंगी? अरे मैंने क्या किया है? अरे जरा अपना हाथ देख निकम्मी, तेरे इस हाथ में अलार्म है और तूने यही उठा के मेरे सर पे मारा। पता नहीं कौन सा सपना देख रही थी जो मुझे मार डाला। सॉरी मम्मी, नींद में मुझे पता ही नहीं चला कि मैंने कब अलार्म पकड़ा और कब उठाकर मार दिया। मैं तो चूहे को मार रही थी, वो मेरा पिंक केक खा रहा था। अरे मन तो कर रहा है कि डंडा उठाऊं और सूट डालूं तुझे, लेकिन क्या करूं, इस हालत में ये सब कर नहीं सकती। चल अभी डॉक्टर के पास। जी मम्मी। ज्योति की डांट सुनकर अपूर्वा उसे डॉक्टर के पास ले जाती है, जहां डॉक्टर ज्योति के सिर पर पट्टी करके उसे दवाई दे देते हैं, साथ ही टेटनस का इंजेक्शन भी लगाते हैं। कुछ ही देर के बाद दोनों माँ बेटी वापस घर लौटती है और ज्योति के सर पर पट्टी देखकर उसका पति वीरेंद्र उससे पूछता है, अरे ज्योति, ये कैसे लग गई और तुम दोनों कहाँ थे? अरे मुझसे नहीं, अपनी इस नालायक बिटिया से पूछो, इसकी वजह से मुझे चोट लगी है, इसीलिए डॉक्टर के पास गई थी। अपूर्वा बेटा, क्या ये सच है, तूने मम्मी को मारा? अरे जो काम मैं इतने सालों से नहीं कर पाया वो तूने कर दिखाया। जी पापा। अपूर्वा के पापा, लगता है आप मार भूल गए हो। अरे नहीं नहीं ज्योति, मुझे सब याद है, मैं तो मजाक कर रहा था। अपूर्वा एक ऐसी खुश मिजाज लड़की थी जिसे पिंक कलर का बहुत ज्यादा क्रेज था। उसे हर चीज पिंक ही चाहिए थी, चाहे वो खाने की हो या पीने की या फिर ओढ़ने पहनने की। वक्त इसी तरह बीतता जाता है। वीरेंद्र अपूर्वा के लिए उसकी पसंद का लड़का ढूंढना चाहता था, ताकि शादी के बाद उसकी बेटी हमेशा ही खुश रहे। ऐसे ही एक दिन वो अपनी बेटी से बात करते हुए उससे पूछता है, अपूर्वा अब तो तेरी ग्रेजुएशन भी हो गई है, तो अब मैं तेरे लिए लड़का ढूंढूंगा, तो तू बता कैसा लड़का चाहिए। पापा मुझे ना। हाँ बेटा बता। पापा मुझे ना बिल्कुल पिंक कलर का लड़का चाहिए। अपूर्वा बेटा, ये तू क्या बोल रही है, पिंक कलर का लड़का? मेरा मतलब है लड़के में तुझे क्या क्वालिटी चाहिए। पापा मुझे लड़के में ना सारी पिंक क्वालिटीज ही चाहिए, वो शादी के दिन पिंक कलर की ड्रेस पहने, पिंक कलर की शाइन करे, पिंक कलर का उसका घर हो, पिंक कलर की बेडशीट हो, पिंक कलर का मेरा रूम हो, बस जहाँ नजर डालूं पिंक ही पिंक हो। अरे बस बस बेटा, मैं समझ गया हूँ, ढूंढता हूँ ऐसा पिंक लड़का। ओके पापा। वक्त गुजरता जाता है और एक दिन अपूर्वा की सहेली बबली का उसके पास कॉल आता है, जो उससे बोलती है, ओए अपूर्वा, मेरे घर पर 8 बजे आ जाइयो, सारी फ्रेंड्स आ रही हैं। ओके। लेकिन बता तो क्यों आना है? वो मैंने पजामा थीम पार्टी रखी है। ऑल राइट बेबी, आई विल कम। अपूर्वा बबली की पजामा पार्टी में जाने के लिए पिंक शर्ट और पजामा पहनकर तैयार होकर उसके घर पहुंच जाती है, जहां पर ऑलरेडी उसकी दो फ्रेंड्स निकी और पिंकी भी पहले से ही मौजूद होती हैं। और उसे देखकर बबली कहती है, ओए पागल, कितनी क्यूट लग रही है, और ये हेयर बैंड के साथ तो और मस्त लग रही है। थैंक यू। अरे वाह अपूर्वा की बच्ची, पिंकी नाम मेरा है और लग तू रही है पूरी पिंक पिंक। अरे यार, तुम सबको पता है ना कि मुझे स्कूल टाइम से ही पिंक कलर कितना ज्यादा पसंद है। हाँ हाँ पता है, लेकिन आगे जाकर तू बोर हो जाएगी इस कलर से। नो नेवर,
इतना कहकर वो लोग अपनी पजामा पार्टी को शुरू करते हैं, जहां वो खूब मस्ती करते हैं, साथ ही डांस भी करते हैं और फिर थक हार कर पागलों की तरह इधर उधर कहीं पर भी पड़कर सो जाते हैं। अगले दिन अपूर्वा एक क्लब में जाती है, जहां उसकी मुलाकात एक शुभम नाम के बहुत ही ज्यादा हैंडसम से लड़के से होती है। वक्त इसी तरह बीतता जाता है। धीरे धीरे शुभम और अपूर्वा के रिलेशनशिप को 8 महीने बीत जाते हैं। ऐसे ही एक दिन शुभम उसे कैंडल लाइट डिनर पर लेकर जाता है, जहां वो उससे कहता है, अपूर्वा कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज, तुम्हारी पसंद के सारे अरेंजमेंट्स? शुभम, आई लाइक इट सो मच। हाय जान, ऐसे करोगी तो तुम्हारे लिए तो सब करने को राजी हो जाऊंगा मैं। अच्छा, तो मेरे लिए एक चीज लाओगे? बोलो क्या? मुझे पिंक कलर का समोसा खाना है, प्लीज ले आओ। जान, ऐसा समोसा नहीं होता, मैं कहाँ से लाऊंगा? नहीं नहीं, ये चीटिंग है। तुमने बोला था ना कि तुम ला कर दोगे, मेरी हर बात मानोगे, तो जाओ कहीं से भी मुझे पिंक कलर का समोसा ला कर दो। हे भगवान, प्यार में और क्या क्या करना पड़ेगा मुझे। वक्त बीतता जाता है। इस तरह शुभम और अपूर्वा अपने अपने घर वालों से सहमति लेकर एक दूसरे से शादी करने का प्लान करते हैं और कुछ ही समय में वो दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो जाती है और वो लोग मिलकर अपनी मैरिड लाइफ को अच्छे से एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसा कि अपूर्वा को पिंक बहुत ही ज्यादा पसंद था, तो वो अपना बेडरूम, लिविंग रूम, यहाँ तक कि किचन को भी पिंक कलर करवा लेती है और शॉपिंग भी पिंक कलर की चीजों की ही किया करती। अब उसे हर तरफ सिर्फ और सिर्फ पिंक कलर ही नजर आया करता, उसके अलावा कुछ और नहीं, जिससे वो काफी ज्यादा इरिटेट रहने लगती है। और एक दिन जब शाम को उसका पति उसके लिए पिंक कलर की कैंडी फ्लॉस लेकर, पिंक कलर का बलून लेकर घर आता है, तो उसे देते हुए बोलता है, जान देखो, तुम्हारी फेवरेट कलर की चीज लेकर आया हूँ। शुभम, मुझे नहीं चाहिए ये सब, यार मैं इरिटेट हो गई हूँ इन सब से, हटाओ इस कलर को। क्यों, तुम्हें तो पिंक कलर बहुत पसंद था ना? हाँ, पर अब नहीं है, अब ये पिंक कलर मेरी आँखों में चुभ रहा है। तुम्हें पता है अपूर्वा, गॉड ने हमें इतने सारे कलर क्यों दिए हैं? क्योंकि इन कलर का एक मतलब है। अब तुम इंद्रधनुष को ही देख लो, उसमें जो रेड कलर होता है वो एक अच्छी लाइफ के लिए होता है, और ऑरेंज दूसरों पर रहम करने का, येलो ग्रेस, ग्रीन हेल्थ, वेल्थ और ग्रोथ के लिए, और ब्लू ट्रूथ और गुडनेस के लिए, इंडिगो म्यूचुअल केयर और पर्पल लव और पीस के लिए जाना जाता है, समझे कुछ? इसे लाइफ के हर कलर को एंजॉय करना चाहिए। शुभम, मुझे सब समझ आ गया है और अब मैं अपनी लाइफ को बहुत ज्यादा कलरफुल बनाना चाहती हूँ, क्या तुम इसमें मेरा साथ दोगे? क्यों नहीं मेरी जान, जरूर दूंगा। इतना बोलकर शुभम अपूर्वा को अपने गले लगा लेता है और अगले ही दिन से वो लोग अपने घर को कलरफुल बनाने के लिए घर में पेंट करवाना शुरू कर देते हैं। साथ ही कुछ ही दिनों के बाद घर की हर चीज अब रंगीन होती है। साथ ही पूर्वा को अब धीरे धीरे पिंक कलर की जगह बाकी सारे कलर्स भी पसंद आने लगे थे और वो सभी कलर्स को अच्छे से इस्तेमाल करती है और उन अलग अलग कलर्स के साथ अपनी जिंदगियों में नई खुशियाँ लेकर आती है और फिर दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।